यो माय नोफैप ब्रदर्स, कैसे हो भाई लोग? यार मेरा ठीक है। कल थोड़ी फ्लैट लाइन थी, आज सुबह भी थी, पर अब थोड़ा चार्ज अप लग रहा है। मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करी आज मैंने। तो यार डेज काउंटिंग पे कुछ बात करते हैं। ये डेज काउंटिंग का ना लोचा थोड़ा अलग है। इसका लोचा क्या है? अब इसके मतलब कुछ फ़ायदे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब वैसे तो डेज काउंटिंग के ज़्यादातर फ़ायदे ही हैं, पर कुछ नुकसान भी हैं इसके। मतलब कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो डेज काउंटिंग से रिलेटेड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यार मान लो एक बंदा डे 20 पे था, ठीक है? अब आज उसका रिलैप्स हो गया, डे 20 पे उसका रिलैप्स हुआ। अब उसने क्या करा? कर लिया भाई डे ज़ीरो, उसने अपना रीसेट कर दिया काउंटर। अब सुबह 12 बजे उसका रिलैप्स हुआ, उसने काउंटर रीसेट कर दिया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ भाई? अर्जाई फिर से दो दो 3 बजे के आसपास उसको अर्जाई दोबारा से। अब क्या करेगा वो? उसके दिमाग में सबसे पहले पता है क्या बात आएगी? कि भाई डे ज़ीरो ही तो है यार, फ़र्क क्या पड़ जाएगा? अगर तुम इसको डेज काउंटिंग के हिसाब से देखो ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि यार एक बात बताओ, अगर उसने दोबारा मार भी ली तो भी क्या फ़र्क पड़ गया? उसके डेज तो ज़ीरो ही था, अभी भी ज़ीरो ही है। क्या होगा? रीसेट कर देगा, 2 घंटे बाद रीसेट कर देगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना उसमें। चलो भाई, उसने कर दिया दोबारा, हो गया उसका, 2 बार हो गया। अब भाई डे 20 था, भरा बैठा था बंदा, मतलब इतने दिन की भड़ास थी, अब मुंह में खून लग चुका है उसके। अब क्या करेगा वो? रात हो गई, माहौल बना भाई, घर में अकेला था। चलो भाई एक और बार हो गया। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ होता है, मैं तुम्हें बस एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ जो हमारी होती है। चलो भाई एक और बार हो गया, दिन में 3 बार हो गया, उसने 20 दिन से नहीं करा, पर आज उसका 3 बार हो गया। अब क्या करेगा वो? अगले दिन से तो डे 1 ही लगना है भाई, उसकी यही सोच तो थी। इस चक्कर में तो 3 बार हो गया, शायद वैसे ना हो तो उसका 3 बार, लेकिन इस सोच के चक्कर में उसका 3 बार हो गया। यार मेरा मानना पता है क्या है? कि अगर तुम डे 20 या डे मान लो डे 20 पे अगर आज रिलैप्स हो कोई, तो उसको पता है क्या करना चाहिए? डे 20 पे अगर उसने 3 बार मार ली, तो भाई उसको उसको अपना काउंटर -3 से शुरू करना पड़ेगा, ना कि डे 1 से। क्योंकि कायदा यही कहता है कि यार उसने अब मान लो यार कोई डे 4 पे डे 5 पे है, उसने आज 3 बार मार दी, तो उसकी तो दिन की एक हो गई ना, 4 दिन में तो 3 ही हो गई। चाहे उसने 3 दिन एक भी नहीं मारी, पर एक दिन 3 मार दी तो 4 दिन की तो 3 हो ही गई ना। तो उस केस में भाई उसको -3 से शुरू करना पड़ेगा। मतलब 3 दिन जब तक वो बिना मारे नहीं काट लेता, तब उसका डे 1 लगेगा। मेरा तो ये मानना है भाई, मतलब बहुत लॉजिकल सी बात है यार। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारा डे 0 हो गया तो तुम लगे रहो भाई, सारी भड़ास अपनी निकाल दो। साला 7 दिन तुमने नहीं मारी, पूरी मेहनत, मतलब 3 दिन में तुम साले जब नोफैप पे नहीं थे ना, 3 बार तो तब भी नहीं करते थे तुम। जस्ट बिकॉज तुमने पिछले 7 दिन नहीं करा, पिछले 20 दिन नहीं करा, आज तुमने 3 बार कर दी। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है डेज काउंटिंग की। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम डेज काउंट करना बंद कर दो, पर अगर तुम डेज काउंट कर रहे हो तो भाई एक बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर तुम डेज काउंट कर रहे हो तो, और तुमने रिलैप्स करा है, तो जितने बार उस दिन तुम्हारे रिलैप्स हुए हैं ना, वो एक एक दिन अपना कम करते जाना अगले रिबूट में से। मेरा तो यही मानना है। और यह होता पता क्या है? मैंने बड़ा लंबा रिबूट करा था, 400 दिन के आसपास। मान लो मैं रिलैप्स हो गया, मैं हुआ ही था रिलैप्स, वो भी तो मैं बताऊंगा यार मैं रिलैप्स क्यों हुआ था, उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर मान लो अब मैं रिलैप्स हो गया, तो यार तुम्हें क्या लग रहा है? जो मैंने 400 दिन करे थे, क्या वो सारा ख़त्म हो गया मामला? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात खुद सोचो, थोड़ा लॉजिकल सोचो भाई। मान लो एक बंदा दिन में 1 बार PMO करता है, 30 दिन में 30 बार करा उसने। अगर मैंने 400 दिन में सिर्फ 1 बार करा, तो यार ये क्या इम्प्रूवमेंट नहीं है? और क्या मेरे माइंड में कुछ चेंजेस, मेरी रिवायरिंग नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई थी भाई। जब मैंने अपना अगला रीबूट स्टार्ट करा ना, जो पहले रीबूट में मेरे को विड्रॉल जिस लेवल के आते थे या जितना मेरा सरदर्द होता, वो कोई उस लेवल का सरदर्द नहीं होता था। ऑलमोस्ट वहीं से मेरी कहानी दोबारा शुरू हुई थी। तो इतना मतलब डेज का, अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम रिलैप्स कर लो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम्हारा रिलैप्स हुआ है 100 दिन के बाद, 200 दिन के बाद, तो भाई तुम उसको डेज से मत रिलेट करो। अब तुम तो मानोगे कि भाई मैं डे 0 पे आ गया,
और दूसरा बंदा जो डे जीरो पे है मैं उसके बराबर है मेरी रिकवरी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम उससे ज़्यादा रिकवर्ड हो और तुम उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके अब आ रहे हो, और तुम्हारी रिकवरी वहीं से शुरू होगी जहाँ तुमने छोड़ी थी, और उस बंदे की रिकवरी वहीं से शुरू होगी जहाँ से होनी चाहिए थी, मतलब कि डे वन से। तो ये मत सोचो कि यार मेरा सारा तुम्हारा कोई बेनिफिट ऐसे नहीं जाते यार, मतलब इसको गलत वे में मत लेके जाना, इसको सही वे में लेके जाओ। अगर तुम्हारा रिलैप्स हो गया तो कई बंदे पता है क्या पागल हो जाते हैं यार उसके बाद, कई बंदे मतलब अजीब ही हाल करने लग जाते हैं उसके बाद कि यार मेरा रिलैप्स हो, मेरी ज़िंदगी ख़त्म। भाई 400 दिन 300 दिन जो भी है 200 दिन तुमने करे हैं ना, तो तुम्हें उसका बेनिफिट मिला है, अब चुपचाप दोबारा उस पर लग जाओ फिर से और अपनी गलतियों से सीखो। तुम्हारा ये नहीं है कि तुम्हारे सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो गए, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो यार। और जो लोग डेज, कई लोग कहते हैं यार हम डे काउंट नहीं करेंगे, अब जिनके ज़्यादा रिलैप्स हो जाते हैं वो सोचते हैं हम डे काउंट नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे भी हैं, तो वो भी अपने आप में गलत चीज़ है, उसमें भी नहीं फंसना। एक मिडल पाथ लो यार, ये भी नहीं कि डेज ही सब कुछ है या डेज काउंट कुछ भी नहीं है, एक मिडल पाथ लेके चलो और अपने आप से ऑनेस्ट रहो। ये डेज वेज के चक्कर में तुम पड़ जाओ पर अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो तो क्या, तो मज़ा नहीं आएगा ना। अपने आप से ऑनेस्ट रहो यार, मतलब ये तुम्हारी रिकवरी है, किसी और की रिकवरी नहीं है। तो और अगर तुम्हें डेज काउंट नहीं करने, अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरा डेज काउंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ठीक है तुम डेज काउंट मत करो, तुम मंथ्स काउंट कर लो कि एटलीस्ट कुछ तो होगा यार, एक प्रोग्रेस, मतलब कुछ सेलिब्रेशन के लिए होना चाहिए ना जब तुम इतने आगे चले जाते हो, या कुछ मोटिवेशन तो रहनी चाहिए ना जीवन में। तो डेज काउंटिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये दिक्कत है जब तुम रिलैप्स होते हो डेज काउंट के बाद, तो उसके बाद जो तुम्हारा बिहेवियर होता है, मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहता था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी यार अब तुम ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरा मूड बढ़िया हो रहा है, मतलब फ्लैट लाइन आई थी एक दो दिन, थोड़ा काफ़ी थोड़ी लगी मेरी, बैंड बजी थोड़ी मेरी, मूड ऑफ ही था थोड़ा, लेकिन ठीक है। कम से कम यार एक चीज़ का मेरे को बड़ी खुशी होती है कि फ्लैट लाइन आई मेरी, बजी, मेरा मूड ख़राब हुआ, पर जब मैं रात को सोता हूँ ना यार, एक बात ज़रूर दिमाग में आती है कि ये एडिक्शन जितना भी ट्राई कर ले, जितना भी मेरे को दबाने की या मारने की कोशिश कर ले, पर मैं अभी तक टिका हुआ हूँ, और कोई भी वो नहीं है, मेरा मतलब रिलैप्स करने का कोई भी आसार नहीं है, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ मैं, और ये एडिक्शन मुझे अब नहीं बीट कर पाएगी क्योंकि मैं पुरानी गलतियों से सीखा हूँ। और तो मैं बताऊँगा यार मेरा रिलैप्स क्यों हुआ था उन दिनों भी। तो रात को सोने की यही खुशी है यार, जब मूड ऑफ भी होता है ना, कम से कम ये होता है कि यार ठीक है मैंने इतने दिन करे हैं और मैं अभी तक इस गेम में बना हुआ हूँ, और आज नहीं तो कल ये तो ठीक हो ही जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक होना ही पड़ेगा। चलो गाइस, ओके, थोड़ी वॉक चल रही है, बाय।